chapter number 1st of history, and the name of chapter is the French Revolution, and it is a very very interesting chapter. As you have already learned it, today we will only take a revision. What happened in France during the late 18th century? Means 18th century mein France mein kya hua tha? Wo dekhenge hum. So event of 14 July 1789. What happened in the 1789? Outbreak of French Revolution. Means kya hua tha? French Revolution ka outbreak hua tha. French Revolution logon ne kiya tha 1789 ko. Event of 14 July 1789. When was the French Revolution held? The French Revolution held in 14 July 1789. Got it? Kya hua tha? 17 July 1789. Means in the 18th century, in France, there was the outbreak of the French Revolution. Means it was a base of the other country. Other country ka base kaisa tha? Because other country take the example of the France. Unhone France ka example liya tha. Ki how was the France in a monarchy system, and that monarchy system converted into the democracy. Means France pehle monarchy system tha, fir usme kya hua democratic aayi. To iska example Europe ki other country ne bhi lena shuru kar diya, just like Holland, Belgium, inhone bhi kya kiya, France ke jaisa revolution kiya. To ye aap padhoge आपके 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. दिस चैप्टर इज टोटली डिपेंड ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इसीलिए आपको ये चैप्टर को अच्छे से रख लेना है. प्लीज रीड द चैप्टर केयरफुली आपको, क्योंकि ये पूरा बेस जो है वो आपका फर्स्ट क्लास का हिस्ट्री का जो है 10th क्लास का, उसमें आप पढ़ोगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में. तो 14 July 1789 the outbreak of French Revolution. What happened and how? वहाँ पे क्या हुआ था and कैसे हुआ था, वही सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Then storming of prison. जो prison था वहाँ पे क्या हुआ था, एक तूफान. Storming में लोगों ने तहस नहस कर दिया था prison को. तो why? क्योंकि ये कर दिया था. तो demolishing of fortress means Bastille. अब इसे समझ लेते हैं कि Bastille it was a jail of France. ये France का jail था. अब वो jail में क्या कर देता था, जो monarchy राजा था लोगों को वो jail में डाल देता था. जो Bastille ये fort था, but it's used as a jail. उसका use कैसे किया जा रहा था, jail के जैसा use किया जा रहा था. Bastille जो jail नहीं था, वो एक्चुअली में फोर्ट था. उसका यूज राजा ने जेल के लिए किया था. और इट वाज अ सिंबल ऑफ अ मोनार्की और डिस्पोटिक किंग. ये किसका सिंबल था, मिस लोग इसे गलत नजर से देख रहे थे. जो ये आउटब्रेक हुआ था ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था. कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी हम देखेंगे कि जो बेस्टल फोर्ट के ऊपर लोगों ने अटैक कर दिया था, बेस्टल फोर्ट को तहस नहस कर दिया था, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था. वहाँ पे जो कैदी थे वो कैदी को भी उन्होंने वहाँ से छुड़ा लिया था. वहाँ पे कितने कैदी थे, देर वर ओनली 7 क्रिमिनल्स कह सकते हैं हम, प्रिजनर्स. वहाँ पे 7 ही प्रिजनर्स थे. तो उन्होंने क्या करते थे, लोगों ने इतना डिस्ट्रॉय कर दिया था जेल को कि उसके ईट से ईट बजा दी थी कहेंगे हम, कि वहाँ की ईटों को तो भी उन्होंने बेचने के लिए ले गया था, ले गए थे. देन रेजिंग इन पेरिस एंड कंट्रीसाइड. रेजिंग इन पेरिस एंड कंट्रीसाइड. अब पेरिस में क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा. कंट्रीसाइड में विद्रोह होने लगा. पहले तो क्या था कि लुई 16 के बारे में पढ़ लेते. पहले हम ये देखने के पहले कि लुई 16 इट वॉज अ किंग ऑफ द फ्रांस एंड ही बिलोंग टू बर्बन डायनेस्टी. यू नो द बर्बन बिस्किट, आपको अच्छी तरह याद है बर्बन बिस्किट आप लोग खाते हैं. तो जो लुई 16 था वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था. एंड ही वॉज मैरिड विद द ऑस्ट्रिया प्रिंसेस एंटोनी. उसने क्या किया था, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस जो थी एंटोनी उससे मैरिड की थी. अब देखिए ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रिया जो है फ्रांस के पास की कंट्री है. ऑस्ट्रेलिया अलग है एंड ऑस्ट्रिया अलग है. तो जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी मैरी एंटोनी, उससे किसने शादी किया था,
बर्बन डायनेस्टी, वो बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, उसने मैरी एंटोनी से शादी की थी। अपॉन हिज एसेशन ही फाउंड ऑन एम्पायर क्या ट्रेजर एम्प्टी ट्रेजर सॉरी जब वो डायनेस्टी में आया, व्हेन ही वाज थ्रोन ऑन अ किंगडम दैट टाइम ही फाउंड दैट देयर ट्रेजरी वाज टोटली एम्प्टी, वहाँ की जो वहाँ का जो खजाना था वो टोटली खत्म हो चुका था। अब उसे खजाना फिर से उसका भरपाई करनी थी, मीन्स अपने इकोनॉमिक कंडीशन को उसको इम्प्रूव करना था, तो उसने उसके लिए बहुत से सिस्टम लागू किया था। तो उसने क्या किया था, उसने लोगों को ऐसे ही जो उसकी आर्मीज थी आर्मी को बोला कि तुम जाओ, तुम कहाँ जाओ, तुम पेरिस में जाओ। और जब वो आर्मी पेरिस की ओर मार्च की तो लोगों को लगने लगा कि ये जो लुई 16 है, लुई 16 ने उस आर्मी को किस लिए भेजा है, अटैक करने के लिए भेजा है, ऐसा लोगों को लगने लगा। और इसी की वजह से उसने क्या किया कि लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा, लोग आग बबूला हो गए और लोगों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो रेपिंग इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, मीन्स पेरिस में और कंट्री साइड में क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा, राजा की आर्मीज जो लुई 16 की आर्मीज और लोगों के बीच में विद्रोह होने शुरू हो गए। व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैपन, ये सारी चीजें क्यों हुई, जो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सारी चीजें क्यों हुई। कि राजा ने देखा लुई 16 जब थ्रोन पे आया तो एम्प्टी था उसका ट्रेजर, उसका खजाना पूरा एम्प्टी था, क्योंकि उसके पहले जो बहुत से वॉर हुए थे उसमें फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को हेल्प किया, अमेरिका को हेल्प किया था, और इसके वजह से उसका ट्रेजर जो है टोटली डिक्लाइन हो चुका था। तो अब उसे उसको उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन उसे बढ़ानी थी, तो इसके वजह से जो लुई 16 है उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि जिसके वजह से लोगों को उसके खिलाफ चीड़ हो गई, लोग नफरत करने लगे और लोगों ने विद्रोह करना रिवोल्ट करना शुरू हो गया और लोगों ने फिर रिवॉल्यूशन शुरू किया 1789। यानी कि आपको समझा, आई होप सो यू अंडरस्टूड वेरी वेल। हमने क्या देखा कि 14 जुलाई 1789 इट वॉज द आउटर ब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। व्हाट हैपेंड हाउ, ये यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जो हम रिविजन में लेंगे। Then storming of prison, the Bastille, it was a fort of France, but it was used as jail. And then the people revolt and people storming or demolishing that Bastille. उन्होंने वो Bastille का तहस नहस कर दिया और तो उसके ईंटे तक उन्होंने वहाँ पे ले जाकर बेच दिया। अब ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि लोगों ने इसे अच्छे दामों में भी खरीदा, बिकॉज लोग चाहते थे, हम चाहते ना हमारे पास भी कोई एंटिक चीज़ें रहे या एक सिंबल है कि ये मोनार्की सिस्टम का सिंबल था, मोनार्की मीन्स फ्रांस में एक फोर्ट था उसकी ईट हमारे पास है, तो लोगों ने उसे खरीदा भी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रेटिंग इन पेरिस एंड कंट्री साइड एंड देन व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैपन, ये सारी चीज़ें क्यों हुई, तो इसको भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि सारी चीज़ें क्यों हुई। ओके, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मींस 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी का जो सिस्टम था, हाउ वाज फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। फ्यूडल सिस्टम दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेजिम बिफोर 1789, मींस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले का जो समय है, दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेजिम, उसे क्या कहा जाता है, ओल्ड रेजिम कहा जाता है। एंड दैट इज अ फ्यूडल सिस्टम, हमने फ्यूडल सिस्टम को देखा कि जो किंग होता है, किंग के अंडर में लैंडलॉर्ड होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, देन लैंडलॉर्ड के अंदर में पीजेंट होते हैं, पीजेंट प्रोवाइड सर्विस टू द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड प्रोवाइड सर्विस टू द किंग। तो ये सिस्टम को कहा जाता है फ्यूडल सिस्टम, मीन्स सामंतशाही। जैसे आई एम अ किंग, क्वीन नहीं होंगी अभी, आई एम अ किंग, मैं किंग और मेरे अंडर में मैंने बहुत से लोगों को रखा है एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल द स्टेट और ऑल द टेरिटरी विच इन माई अंडर। दैट टाइम आई जस्ट शेयर द पावर, जैसे हम 10th क्लास में आप पढ़ोगे पावर शेयरिंग, मैंने पावर को शेयर कर दिया है एंड देन उसके लिए लोगों को टैक्स देना पड़ता है। ओके, तो जो मैंने उनको दिया है उससे वो रिटर्न मुझे
करता है उसके लिए, तो उसे कहा जाता है फ्यूडल सिस्टम। तो सोसाइटी इन द फ्रेंच सोसाइटी, द सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, द फर्स्ट स्टेट, द सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। ओके, फ्रेंच सोसाइटी में जो सोसाइटी थी वो थ्री कैटेगरी में डिवाइड की गई थी, फर्स्ट स्टेट में, सेकंड स्टेट में एंड थर्ड स्टेट में। तो हु इज इन अ फर्स्ट स्टेट? क्लेर्जी। क्लेर्जी किसे कहा जाता है? मींस दोस पीपल हु होल्ड द पावर ऑफ द चर्च, जिनके पास चर्च का पावर होता है उन्हें हम कहेंगे क्लेर्जी। ओके, मींस जो लोग जिनके पास चर्च का पावर होता है उन्हें हम क्लेर्जी करेंगे कहेंगे। और वो जो लोग है वो किस कैटेगरी में आते थे? फर्स्ट स्टेट में। देन सेकंड स्टेट में नोबिलिटी पर्संस। नोबिलिटी मींस किंग, किंग का बेटा, किंग का दामाद, किंग की बेटी, किंग के रिलेटिव्स, ऑल आर इंक्लूड इन नोबिलिटी। नोबिलिटी में कौन आता था? किंग्स आते थे, किंग से किंग के जितने भी रिलेटिव्स थे दे आर इंक्लूड इन नोबिलिटी एंड दे आर इन द सेकंड स्टेट। मींस ये दोनों क्लेर्जी और नोबिलिटी ये रिच पीपल हैं। देन थर्ड स्टेट पीजेंट, मर्चेंट, लेबर एक्सेट्रा। मींस सबसे लोअर स्टेट में आते थे पीजेंट, मर्चेंट, लेबर, लेबर एक्सेट्रा। मींस ये लोग थर्ड स्टेट में आते थे। इस टाइप से सोसाइटी डिवाइड की गई थी। हमने भी देखा है हमारे इंडिया में एंशिएंट टाइम सोसाइटी में डिवाइडेड टू फोर कैटेगरी, द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र इज इन द लोअर कैटेगरी, मींस लोअर कैटेगरी। तो यहां पे पीजेंट, मर्चेंट, लेबर ये थर्ड स्टेट्स में आते थे। देन क्लेर्जी एंड नोबिलिटी को किस टाइप के प्रिविलेज दिए गए थे एंड व्हाट आर द फैसिलिटी दैट टाइम गिवन टू द नोबिलिटी एंड चर्च? तो एंजॉय प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, मींस जिस सोसाइटी में, जिस फैमिली में वो बॉर्न किए हैं वो फैमिली के जितने भी फैसिलिटीज है उन्हें मिलेगी क्लेर्जी और नोबिलिटी को। अगर उनके पापा राजा है तो वो भी राजा बनेंगे, उनके पापा क्लेर्जी है, क्लेर्जी का काम करते तो वो भी क्लेर्जी बनेंगे। जितनी प्रॉपर्टी होल्ड इन्होंने करके रखा है सारी प्रॉपर्टी उनके बाद उनके चिल्ड्रन में चली जाएगी। मींस एंजॉय प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, मींस बर्थ से जो भी उन्हें प्रिविलेज मिले, जो भी फैसिलिटी मिली है ये सारे एंजॉय करने का काम किसका था? क्लेर्जी का एंड नोबिलिटी का था। देन एग्जेम्पशंस फ्रॉम पेइंग टैक्स, दे वर नो पे एनी टाइप ऑफ टैक्स, दे वर नॉट पेइंग एनी टाइप ऑफ टैक्स। मीन उन्हें कोई भी टैक्स नहीं लगता था, उनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा थी, वो रिच पीपल थे, उसके बावजूद भी उन्हें कोई भी टैक्स नहीं लगता था। मींस इतना क्या अत्याचार हो रहा था फ्रांस में लोगों के साथ, मैं जिनके पास पैसा है उन्हें कोई टैक्स नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है उनको सारे टैक्स देने पड़ते थे। तो थर्ड स्टेट, अब थर्ड स्टेट के बारे में देखते हैं। दे वर ऑब्लाइज्ड टू पे टैक्सेस रेंडर सर्विसेज, उनको टैक्स पे करना ही होता था और टैक्स पे करने के साथ वो जो ये क्लेर्जी थे और नोबिलिटी थे उनको सर्विस भी देते थे, उनके खेत में काम करते थे, उनके लैंड में वर्क करते थे, इस टाइप की सर्विस भी इन्हें देनी पड़ती थी। मींस इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, पॉपुलेशन ज़्यादा, उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई लैंड नहीं थी। अगर उनकी 100% पॉपुलेशन है तो 60% लोगों के पास लैंड नहीं थी, दे वर लैंडलेस लेबर, सो दे वर डूइंग देयर वर्क ऑन द अदर मनी लैंडलॉर्ड, वो अदर लैंडलॉर्ड के घर काम करते थे और उसका उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था, सर्विस भी देते थे और टैक्स भी देते थे। मीन्स इस टाइप की सिचुएशन ये थर्ड कैटेगरी के लोगों की थी और यही थर्ड कैटेगरी के लोगों ने मिडल क्लास बना, इन्हें मिडल क्लास के कहा जाता है, इन्हीं मिडल क्लास के लोगों ने रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया, इन्होंने रियलाइज किया बाद में इनमें इंडस्ट्रियलिस्ट आए, इनमें एजुकेशन पीपल, एजुकेटेड पीपल आए, इसमें डॉक्टर्स आए, टीचर्स आए और इन्होंने रियलाइज किया कि हमारा भी राइट्स है, हमें भी फ्रीडम चाहिए और इसी की वजह से फिर क्या हुआ, लोगों ने रिवॉल्यूशन करना शुरू किया। ओके, तो अब देखते हैं कि इनको जो थर्ड स्टेट थे वो किस टाइप के टैक्स पे करते थे वो भी देख लेते हैं। ओके, सी टू टाइप्स ऑफ टैक्स वर पेइंग बाय द थर्ड स्टेट्स एंड इन थर्ड स्टेट देयर वर द पीजेंट्स, मर्चेंट्स एंड लेबर्स एंड दे वर पेइंग टू टाइप्स ऑफ टैक्स, वन इज टिप्स एंड सेकंड इज स्टेट।
The tithes are tax levied by the church comprising 1/10 of the agriculture produce. Means ये tithe tax कौन लेता था? Church लेता था. And comprising 1/10 of the agriculture produce means अगर one मेरे पास 60% अगर मेरा production हुआ है तो उसमें से 1/10% मुझे किसे दिना देना होगा? चर्च को देना होगा. मीन्स हमने देखा है कि कितना अत्याचार हो रहा है कि जो पीजेंट बेचारे लैंड लेस है, उनके पास लैंड नहीं है. कई ऐसे फ्यू पीजेंट हैविंग अ लैंड बट देयर क्वांटिटी इज वेरी वेरी लेस, उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी, उसके बावजूद भी उन्हें एग्रीकल्चर का 1/10 जो पार्ट है किसे? चर्च को देना होता था. एंड चर्च एग्जेम्प्शन फ्रॉम द टैक्स, इन्हें किसी भी टाइप का टैक्स नहीं लगता था. सेकंड इज टेल टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. मींस ये जो टेल टैक्स था वो डायरेक्टली किसे देना पड़ता था? स्टेट, जो स्टेट की गवर्नमेंट होती थी उस गवर्नमेंट को इस टाइप का टैक्स देना पड़ता था. तो यहाँ पे दो टाइप के टैक्स है, वन इज टिथ्स एंड अनदर इज टेल. जो टिथ्स आर टैक्स लेविड बाय द चर्च comprising 1/10 of the agriculture produce, means उसमें से 1/10 जो production है agriculture का वो church को देना होता था. and then tax to be paid directly to the state. हम जो हमारे government को, state के government को जो directly tax देना पड़ता था उसे state को उसी tax को कहा जाता था tail. means इस type के two types के tax peasant labor और merchant से लेते थे जो third स्टेट्स में आते थे. इस टाइप की उनकी कंडीशन थी और इसीलिए लोगों को बहुत गुस्सा आया कि हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास लैंड भी नहीं है, तो भी हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें ज़्यादा ज़्यादा टैक्स हम ही पे कर रहे हैं और जिनके पास सारी फैसिलिटी होने के बाद भी उन्हें टैक्स से छोड़ दिया गया है. दे वे आर नॉट पेइंग अ टैक्स सो पीपल स्टार्ट टू रिवोल्यूशन. ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस टॉपिक. देन वी विल मीट टू आवर नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू सब टॉपिक. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.